हेलो फ्रेंड्स, आज मैं खास गर्मियों के लिए एकदम ठंडा ठंडा और हेल्दी शरबत लेके आई हूँ। और इस शरबत को बनाने के लिए मैंने बहुत ही हेल्दी और टेस्टी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। इस शरबत से आपकी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग होगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हेल्दी शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। उसमें से बड़े 2 चम्मच दूध हम साइड को निकाल देंगे। नॉर्मल दूध लिया है जो हमारे घर में आता है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और दूध बॉईल होने के लिए रख देंगे। जो दूध को हमने अलग किया था ना, अब उसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर 2 बड़े चम्मच। इससे दूध को बहुत ही गाढ़ापन आएगा और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम दूध और कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि इसमें कोई भी लफ्ज़ ना रहे। अब हम दूध को देख लेते हैं। दूध को अच्छा से उबल आ गया है तो पहले हम अच्छी तरह से मिला देंगे। साथ ही साथ हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे ताकि दूध को हम अच्छी तरह से पका सके। अब मैंने दूध को अच्छे से मिला दिया है। अब हमने कस्टर्ड का मिक्स बना के रखा था ना, वो ऐड करेंगे। लेकिन मैंने कस्टर्ड को एक साथ नहीं डाला है, नहीं तो लव्स पड़ जाएंगे। हमें कस्टर्ड को 3 स्टेप में डालना है और साथ ही साथ कस्टर्ड पाउडर और दूध में अच्छी तरह से मिलाते रहना है। पकाने के साथ ही साथ हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 छोटे चम्मच शुगर लिया है। वैसे शरबत के लिए शुगर बहुत ही कम है मिठास के लिए, लेकिन हम मिठास के लिए और भी कुछ ऐड करेंगे जिससे शरबत को परफेक्टली मिठास आ जाएगा। इसलिए शुगर हम स्टार्ट में थोड़ा ऐड करेंगे। अब हम इसको पकाएंगे 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पे ताकि दूध अच्छा सा गाढ़ा हो जाए और अच्छे से क्रीमी स्ट्रक्चर में आ जाए। 7 से 8 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए और ये देखिए दूध में कितना अच्छा सा गाढ़ापन आ गया है और क्रीमी टेक्सचर भी आ गया है। तो इतना पकाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और छोड़ देंगे ऐसे ही ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर में। जब ये नॉर्मल हो जाएगा ना तो इसको हम फ्रिज में चिल्ड होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अपने शरबत को बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही यूनिक बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ों का यूज किया है मैंने यहाँ पर, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है। यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच पिस्ते जो मैंने पानी में सोक करने के लिए रखा था, और साथ ही मैंने लिया है 7 से 8 बादाम जो मैंने सोक करने के लिए रखा था, जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और मैंने यहाँ पर लिया है मगज भी, जिसे हम तरबूज की भी बोलते हैं। और साथ ही मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच खसखस के बीज। साथ ही मैंने लिया है टेस्ट को बढ़ाने के लिए खसखस का शरबत, जो मार्केट में इजीली मिल जाएगा लिक्विड फॉर्म में। ये शरबत को यूनिक फ्लेवर देता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है जो ऐड करेगा शरबत में इसको। साथ ही साथ मैंने लिया है यहाँ पर इलायची फ्लेवर के लिए, इससे शरबत को बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। हम क्या करेंगे, इन सबको ग्राइंड करेंगे। उससे पहले बादाम का छिलका हटा देंगे, सबको वैसे ही ग्राइंड करना है, सिर्फ बादाम का छिलका हटा देंगे। अभी हम इन सब चीज़ों को मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। अब हम मिक्सर में छिले हुए बादाम और पिस्ते डाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर मगज भी डाली है और इसके साथ साथ ही मैंने देखिए 2 चम्मच बड़ी खसखस डाली है। अब हम फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हरी इलायची ली है, इसको छिलकर हम डाल देंगे, छिलका हटा देंगे। अभी सब चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करने के लिए और अच्छा सा बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप दूध, नॉर्मल दूध है ये, डाल देंगे और कवर करके एकदम बारीक सा बेस तैयार कर लेंगे। और ये देखिए मैंने सभी चीज़ों का दूध के साथ अच्छे से बारीक करके ग्राइंड कर लिया है, एकदम चिकना सा बेस बन के तैयार हो गया है ये देखिए। मैंने 1/2 घंटे के बाद दूध को निकाल दिया है फ्रिज से, बहुत चिल्ड हो गया है दूध। अच्छे से मिलाने के बाद हम ऐड करेंगे मिक्सर में ग्राइंड किया हुआ बेस। या तो आप पूरा डाल सकते हैं या कम ज़्यादा कर सकते हैं ताकि शरबत को अच्छा सा गाढ़ापन आ जाए और शरबत को बहुत ही हेल्दी फीलिंग आ जाए। देंगे और ये देखिए मिलाने के बाद कितना अच्छा सा गाढ़ापन आ गया है, क्रीम स्ट्रक्चर आ गया है दूध को। अब हम टेस्ट को बढ़ाने के लिए और शरबत को मीठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 से 4 चम्मच खसखस का शरबत, इसको डालेंगे। तो क्योंकि हमने शुगर को बहुत ही कम ऐड किया, अब यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दिया है। अच्छे से मिलाने के बाद मैंने टेस्ट भी कर लिया है, टेस्ट भी एकदम परफेक्ट है, मीठास भी एकदम परफेक्ट है। खसखस का जो टेस्ट आता है वो भी बहुत यूनिक फ्लेवर देता है शरबत को। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है ये फ्रेंड्स। गर्मियों का मौसम है, रमजान भी चालू है, तो ये नहीं ट्राई किया तो क्या किया।
फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम तो चालू है, इसलिए आपको हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ सख्ती गर्मियों से अपने आप को बचाने के लिए, ठंडक पहुंचाने के लिए ये शरबत तो मस्ट ट्राई रेसिपी है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी टेस्टी हेल्दी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।